हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ योर लर्निंग क्लासेस वेल्स एकेडमी ताजपुर बहराइच। आज विंडो की तीसरी क्लास है, पार्ट थर्ड। आज इस क्लास के माध्यम से हमारा विंडो कितने प्रकार का होता है, कैसे कार्य करता है वो हम बताएंगे। वर्किंग विथ विंडो, काइंड्स ऑफ विंडो, विंडो के प्रकार कितने होते हैं। विंडोज के दो प्रकार होते हैं, जो हमारा विंडो होता है दो प्रकार का होता है। नंबर एक एप्लीकेशन विंडो और नंबर दो डॉक्यूमेंट विंडो। एप्लीकेशन विंडो में क्या होता है, ये हमारा यह तात्पर्य है कंप्यूटर पर जिस सॉफ्टवेयर की मदद से, यानी जो हमारा कंप्यूटर है उसमें कौन सा सॉफ्टवेयर पड़ा है, विंडो पड़ा है विंडो 8, विंडो 10, विंडो 8.1 या विंडो 7, कौन सा सॉफ्टवेयर उसमें पड़ा हुआ है उसकी मतलब मदद से एप्लीकेशन विंडो कहलाता है। जो हमारा एप्लीकेशन विंडो होता है वो कौन से सॉफ्टवेयर की मदद से कार्य करता है वही हमारा एप्लीकेशन विंडो कहलाता है। आगे हम देखते हैं। और दूसरा है हमारा डॉक्यूमेंट विंडो। डॉक्यूमेंट विंडो कंप्यूटर पर जो भी कार्य करते हैं सॉफ्टवेयर के माध्यम से, विंडो के माध्यम से जो भी कार्य हम कंप्यूटर पर करते हैं, अपनी फाइल बनाते हैं और उसे इंपॉर्टेंट डाटा के नाम से या कुछ नाम से या कोई नाम से उसको सेव कर देते हैं, और जब सेव की गई फाइल वही डॉक्यूमेंट फाइल कहलाती है। और जो डॉक्यूमेंट फाइल होती है वो डॉक्यूमेंट विंडो के माध्यम से सेव होती है। और विंडो कीबोर्ड शॉर्टकट शॉर्टकट्स जिसके माध्यम से हम एडिटिंग करते हैं, सेव करते हैं, विंडो को कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं, कौन कौन से शॉर्ट की से आइए देखते हैं। कंट्रोल ए, जब हम कीबोर्ड में अपने कंट्रोल के साथ ए प्रेस करेंगे तो हमारा सिलेक्ट ऑल जितना शब्द जितनी शब्द हमारे डिस्प्ले पर होगा सब सिलेक्ट हो जाएगा। और कंट्रोल सी, कंट्रोल के साथ जब हम सी प्रेस करेंगे तो हमारा कॉपी यानी हमारी जितनी भी फाइल होगी सारी कॉपी हो जाएंगी। और कंट्रोल एक्स के साथ जब हम प्रेस करेंगे तो कट हो जाएगा, यानी वहां से फाइल उठ जाएगी, उतनी वहां से फाइल चली आएगी। और जब कंट्रोल बी से करेंगे जहां हमको फाइल को पेस्ट करना होगा वहीं पे हम कंट्रोल बी कर देंगे और हमारा जितनी फाइल हम कॉपी किए या कट किए वहीं पे पेस्ट हो जाएगी। अगला है कंट्रोल जेड। कंट्रोल जेड से अंडो होता है, इसका मतलब ये होता है कि जो फाइल हमने कॉपी पेस्ट की है उसको अंडो कर देने से जहां की फाइल थी वहां पहुंच जाएगी। फिर डिलीट, डिलीट बटन जब हम क्लिक करते हैं अपने कीबोर्ड में तो टू मूव द रिसाइकल, और जितनी जब फाइल हम डिलीट करते हैं तो हमारी जो फाइल होती है रिसाइकल बिन में पहुंच जाती है। हम पहले भी बताए थे रिसाइकल बिन में, इसको एक दिन हमने अगली वीडियो में बताया था कि रिसाइकल बिन में पहुंच जाती है। और जब कंट्रोल एस हमारा, जब जैसे आपको पता चले कि इन्वर्टर से आप कंप्यूटर पर काम कर रहे हैं तो आप फाइल को पहले सेव करते हैं या नहीं करते हैं उसकी कोई बात नहीं, लेकिन जब आप लाइट से काम कर रहे हो तो पहले फाइल को ओपन करना चाहिए, सेटिंग करने के बाद फाइल को सेव कर देना चाहिए और जो हमें काम पूरा होता जाए उसको कंट्रोल एस करते जाना चाहिए और हमारी फाइल कंट्रोल एस से सेव हो जाएगी। ये लाइट चली जाने पर भी हमारी जो फाइल होगी वो सेव रहेगी, जितनी उतना हमें सेव मिल सकता है। और कंट्रोल एफ से होता है फाइंड, और कंट्रोल प्लस F4 अगर हमारी कोई फाइल खुली है या हम कोई काम कर रहे हैं वो खुला है तो जब Alt कंट्रोल F4 क्लिक करेंगे हम तो हमारी फाइल मतलब बंद हो जाएगी, हमारी फाइल बंद हो जाएगी। और जब ना हमारी कोई फाइल खुली है केवल विंडो ओपन है, विंडो का जो चित्र होता है वो ओपन है, और कंट्रोल F जब 4 करेंगे तो हमारा जो सिस्टम होता है बंद हो जाता है। और F1 जब हम विंडो पर काम करते हो F1 तो F1 जब क्लिक करेंगे तो डिस्प्ले हेल्प के लिए हमें ऑप्शन आएगा। और कंट्रोल पी से हमारा प्रिंट होता है, इंपॉर्टेंट है। कंट्रोल शिफ्ट और वाई, कंट्रोल के साथ शिफ्ट, शिफ्ट के साथ वाई का जब हम प्रेस करेंगे
तो कॉपी ऑन आइटम, यानी कॉपी ऑन का मतलब हुआ एंड का मतलब अधिक आइटम, एक से अधिक फाइलों को कॉपी करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट प्लस वाई का प्रयोग करते हैं, और फिर कंट्रोल शिफ्ट प्लस बी का एक से अधिक फाइल को मूव करने के लिए किया जाता है आल्ट एस का प्रयोग, सेव एंड क्लोज। आल्ट एस करेंगे तो आप किसी नाम के कारण, किसी नाम के द्वारा उसको सेव करेंगे, सेव करने के बाद इंटर कर देंगे, वो फाइल बंद हो जाएगी, क्लोज हो जाएगी। F12 में भी सेव एस होता है। सेव एस का मतलब ये है कि जो हमारी फाइल पहले से सेव है और उसमें कुछ करेक्शन किया गया, कुछ उसमें बढ़ाया गया या घटाया गया, शब्द कम किया गया या कुछ गलती थी सही किया गया, उसको दोबारा जो सही किया गया उस फाइल को सेव करने के लिए F12 का प्रयोग करते हैं। Alt प्लस इंटर, Alt के साथ जब इंटर हम प्रेस करेंगे तो व्यू द प्रॉपर्टीज ऑफ द सिलेक्टेड आइटम, जो हम जितने हम फाइल या आइटम को हम सिलेक्ट करते हैं उनकी जो अवधारणा होती है, प्रॉपर्टीज होती है, वो हमारी दिखाई देने लगती है कि क्या क्या हम सिलेक्ट किए हैं। कंट्रोल प्लस एसर, डिस्प्ले द स्टार्ट मेनू, जो हमारा डिस्प्ले होता है उसमें मेनू स्टार्ट होने लगता है, और इस वीडियो के माध्यम से विंडो की सार्टी और एप्लीमेंट और सिस्टम डॉक्यूमेंट्स के बारे में हमने पढ़ाया आपको, उम्मीद है समझ में आया होगा। नोट्स बनाइए और घर पे रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।